राम राम सब भाइयों ने एक इत्तला करना चाहता था आप लोगों को। देखो मैं अभी पुलिस चौकी में आया हुआ हूँ, ये पकड़ना मेरा फ़ोन एक बारी। तो भैया मेरे साथ जो हो रहा है युवा एकता की फाउंडेशन के साथ जो फ्रॉड किया गया है वो मैंने पकड़ा है 3.5 जो बंदे ने बोला है, और मैं क्लेम ठोकूँगा 3.5 करोड़ रुपये का। ये देखो मैं अभी भी चौकी में आया हुआ हूँ, फिलहाल तो सेक्टर होगी। आर यू रही उसके खिलाफ FIR। कपिल शर्मा के नाम पे है, जिस बंदे ने मेरे नाम से फ्रॉड कर रहा था ये बंदा। ये राजस्थान का रहने वाला है, कपिल शर्मा नाम है इसका, जो मेरे नाम से फ्रॉड कर रहा था भाई। तो भाई मेरे कुछ काफ़ी यार दोस्त हैं तो उनके पास भी इसका मैसेज गया था, और मैं आप सभी भाइयों को ये सूचित कर दूं, युवा एकता फाउंडेशन का भैया कोई भी ऐसा कोई कार्यक्रम होएगा, देखो मार पिटाई का तो फिर भी एक बार वो भी फिर भी FIR नहीं करवाएगा, लेकिन इस भाई की FIR करवानी पड़ेगी जो धांधलेबाजी चला रहा है, और वो भी मेरे नाम से। अरे खसम टिक जाता, थोड़ा सोचता तो सही कहाँ से क्या धांधलेबाजी कर रहा है तू भाई। आप लोगों से ये निवेदन भी करूँगा कि भाई किसी भाई के पास ऐसा मैसेज आया हो कि किसी ने, आपको मेरा अकाउंट नंबर तो पता ही होगा NGO का, किसी ने धांधले, एक ही अकाउंट है और वो है इंडसइंड का, और जो आपको पता ही होगा, अगर वो अकाउंट के अलावा किसी और अकाउंट से या Paytm से पैसे मांगे गए हों मेरे नाम से, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ही उस चीज का स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा, उसके खिलाफ FIR जरूर होगी, करवाऊंगा जरूर। और सिरसा वाले भाई, सिरसा में भी बहुत बुरा चल रहा है, ध्यान रखियो, अभी तो छोड़ रहा हूँ बख्श रहा हूँ, ध्यान रखियो, अभी तेरी सारी खबर मिली थी हल्की सी, अगर वो प्रूफ हो गई तो घर तक नहीं छोड़ूंगा, बिकवा दूंगा, ध्यान रख लिए। इस भाई के ऊपर 3.5, इसने 3.5 बोला था कपिल शर्मा ने कि 3.5 हो चुके हैं, अब ये नहीं पता 3.5 लाख हो चुके हैं इसके अकाउंट में या 3.5 करोड़ रुपए हो चुके हैं मेरे नाम से। देखो भैया क्लेम ठोकना होगा तो भैया मैं भी 3.5 करोड़ का ही ठोकूंगा, करोड़ क्यों, घर तक के गूदड़ बिकवा दूंगा तेरे, तेरा तो अकाउंट हो गया कपिल शर्मा भाई, जो राजस्थान का रहने वाला है, आपने इसमें वो देख लिया। तो भैया कृपया करके आप लोगों से मैं यही बताना चाहूंगा यार, यही बताना चाहूंगा कि कोई भी युवा एकता फाउंडेशन के नाम से पैसा मांगता है बॉबी से, तो भाई कृपया करके पैसा ना दे, पैसे तो हम ही मांगने वाले बहुत हैं, हम अपने लाइव में आकर मांग लें, कोई दिक्कत वाली बात ना है, लेकिन किसी और की धांधलेबाजी पकड़ी नहीं जानी चाहिए भाई जी। आज एक FIR हुई है 3.5 करोड़ रुपए की, क्लेम ठुकेगा इसके ऊपर बहुत तगड़ा, जो राजस्थान जिले का रहने वाला, राजस्थान का रहने वाला है। तो कृपया करके इस वीडियो को फैलाइएगा अपने आसपास के एरिया में, कोई भाई Paytm ना यूज कर ले वो भी भाई के नाम से, बहुत बुरा फंसेगा। हम तो कुछ कर काटते हैं चौकियों के, लेकिन भैया हम भी ऐसे चक्कर कटवा देंगे जो दुनिया याद रखेगा कि हाँ भाई वो अभी ना फंसाया था कहीं ना कहीं। मैं धांधलेबाजी नहीं चलने दूंगा अपने अकाउंट के साथ भाई, साफ सीधी बात है, 1 रुपये की धोखाधड़ी नहीं होने दूंगा, गरीब इंसान का 1 रुपया नहीं खाने दूंगा। वो तो मेंबर और वॉलंटियर थे, हमने तो तुरंत शटर मार दिया था ऑफिस के, यो तो सरासर धांधलेबाजी है, अकाउंट में पैसे डलवाओगे तुम बॉबी नाम से। अच्छा जी क्या बात है, चलो भाइयों शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों आपका, ये वीडियो थोड़ी सी फैला देना तो कुछ लोग देख रहे हैं तो एक बार शेयर कर देना, नेट ना फूके थारा ना फालतू होवे, तो थोड़ा सा कर दीजिए ना, भाई का सहारा लग जाएगा कि कोई भाई चोरी डकैती ना कर पाओगा भाई हमारे लिए। देखो हमने एक अकाउंट बनाया बड़े हिसाब से सोच समझ कर, अभी Paytm भी नहीं बना रहा हूँ इसीलिए मैं, कि कोई फ्रॉड ना कर जाए किसी वजह से। अरे रुक जा रे, तो भाई राम राम, धन्यवाद भाइयों का, सब कुशल मंगल हो।
और भाई और कुछ वार्तालाप बतानी है क्या? मैंने कुछ बोलना था यार, अरे मैं भूल गया। घर में आके बोल। अरे ना 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 ना, चल मैं दूसरी वाली प्रोफाइल से लाइव आएंगे एक बार ना दोगे बढ़िया तरीके से। चौकी में बैठा था सुबह से भाई, क्या करूं, काम इतने हो जाते हैं। और भाई फोन नंबर इसी मारे दे रखा है वो कि भाई कुछ लोगों की समस्याएं सुलझाए जाए। हाय हेलो वाले भाई थोड़े टाइम रुक जाए भाई, वो तो सड़कों पर मिल लेंगे। और जो समस्याएं वाले लोग हैं उनके फोन भी नहीं मिल पाते हैं, इतना नंबर बिजी जा रहा है। कोई बात ना, वो तो चलता रहता छोटा मोटा। तो यार एक बॉलीवुड वाला भाई भी आया था सुबह सुबह, कहता मिलना है। अरे मिलना है तो आ जा भाई, लेकिन भाई चेक लेता आई हो, क्यों ना ले भाई, फोटो खिंचवाने आ रहा है। साफ सीधी बात बोलती भैया, मैं ना गड़बड़ाता किस चीज में। कह रहा भैया जी लाइव आ जाएंगे, और फिर मेरे को ही नहीं, कह रहा एटीट्यूड आ गया तुम्हारे में। अरे एटीट्यूड आओ भाई, हमारे भाइयों ने सेलिब्रिटी बनाए, क्यों नहीं आया भाई? फोन ना उठाओ तो कह देते एटीट्यूड आ गया। भाई सारे दिन में एक बॉबी कहाँ कहाँ भागे, कहाँ कहाँ काम करे। यार कुछ लोग जुड़ो ना, काम करो साथ में मिलके, तब मजा आओगा। अब बात वही है, अरिजीत सिंह बूरा का स्पेशल धन्यवाद। जीत सिंह बूरा जो हमारे कैथल वाले भाई हैं, वो स्पेशल हमारे लिए पहुंच गए भाई, आज थाने में रिपोर्ट करवा के आ गए हैं बढ़िया तरीके से। उनको एक काम सौंपा गया था सुबह सुबह, जो 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद ये अपने मिलने गए, तुरंत कार्रवाई कर दी भाई ने। ये होती है ईमानदारी और भाईचारा, मजा उसी में ही है। युवा एकता की टीम तो भाई रंग ला रही है और रंग लाएगी भी। चलो भाइयों जय हिंद और युवा एकता जिंदाबाद। कोई का भाई ओवर एक्टिंग करे, करने दो भैया, हम तो ऐसे ही हैं सरासर। हमने क्या करना, हमने बोलना है बस, कैसे मर्जी बोलो, बोल रहा है जो बोलना। ये देखो भाई अभी अभी मेरे पास फोन आ रहा है, इसको कोई समस्या नहीं होगी। और अभी देखो, हेलो, हाँ जी भैया बोलो। हेलो हेलो, हाँ भाई बोलो। ऐसे ऐसे बंदे देखो, फोन करें बोलेंगे नहीं। भाई साहब हम तो नंबर चेक कर रहे थे आपका, कमाल है यार, नंबर भाई ने दिया तो भाई उठाएगा यार। अरे मोदी भी ना उठावे तुम्हारा फोन, कदे कर लियो। चलो भैया जय राम जी की, शुक्रिया था बहुत बहुत। और भाई जी प्लीज शेयर कर देना, क्योंकि हमारे अकाउंट के साथ थोड़ी छेड़छाड़ हो रही है, धांधलेबाजी चल रही है बहुत ज्यादा। सिरसा वाले भाई जरूर ध्यान रखना, आपके पास 1.5 लाख रुपए की पेमेंट है भाई जी, वो पहुंचा देना। आपने खुद बोला था मेरे पास रिकॉर्डिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पेमेंट आती है और मेरे को फोन आता है और ध्यान दिया जाता है, ये चीज का ध्यान रखना। अगर आपके पास पेमेंट आई है तो दे के जाइए, क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। आप कह रहे थे कि मैं आऊंगा, लेकिन बात वो नहीं है कि आप आए नहीं है अभी तक। मैं सबको बता दूं ये बात, सिरसा में भी एक प्लान चल रहा है, वहां पे माहौल कुछ करेंगे, वहां की भी कार्रवाई जल्दी है। चलो भाइयों शुक्रिया, वीडियो शेयर कर दिए यार, गरीब आदमी की यार, थोड़ा सा कर देना। राम राम। एक बारी और देख लो रिपोर्ट में कपिल शर्मा की, दिखा दे, साफ आ रही होगी। ये रे सारी चीज लिखवा दी मैंने इसमें, मगर जी 3:30 बोला था, और आके देख लें कितना ठुकवा होगा हमारा वकील साहब। चलो भैया जय राम जी की, बाय बाय टाटा, ना धो ले।